मारवाड़ में मुखिया पाली के दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जनसुनवाई का कार्यक्रम बताया जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत पाली में जनसुनवाई करने वाले हैं और साथ ही 105 फीट ऊंचे तिरंगे का विधिवत ध्वजारोहण भी करेंगे। पाली कलेक्ट्रेट मुख्यालय के निकट विधिवत ध्वजारोहण करने वाले हैं। साथ ही वरिष्ठ समाज सेवी स्वर्गीय जौहरीलाल जैन के घर पर भी जाने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री इसके बाद जोधपुर को देंगे मेगा सौगात। राव जोधा मार्ग सड़क निर्माण कार्य का लोकार्पण करेंगे सीएम अशोक गहलोत और डिगाड़ी में आयोजित समारोह में विभिन्न विकास और विस्तार कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद घोड़ा घाटी बालसमंद से किला रोड तक सड़क के निर्माण कार्य का लोकार्पण और अवलोकन करेंगे वो खुद और उसके बाद शाम 4 बजे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डिगाड़ी में लोकार्पण कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण समारोह में सीएम हिस्सा लेंगे। तो पाली के दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल जनसुनवाई और महंगाई राहत शिविर का जायजा उन्होंने लिया, साथ ही एक विशाल जनसभा को संबोधित भी किया था। आज भी पाली में जनसुनवाई का कार्यक्रम जो आपको अब से कुछ देर के बाद तस्वीरों के जरिए भी दिखाएंगे, लेकिन खास बात ये कि अलग अलग जिलों में जाकर मैराथन दौरों के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राहत शिविरों का फीडबैक तो जनता से ले ही रहे हैं। आप समझिए, अधिकारियों से नहीं बल्कि जनता के बीच पहुंचकर जनता के लिए जो चीजें लाई गई है, जो योजनाएं लेकर आए हैं, उसको देख रहे हैं कि जिस मंशा के साथ उनकी शुरुआत की गई वो मंशा, वो पर्पस कितना फुलफिल हो पा रहा है और उसको लेकर के राहत कैंपों का जायजा लगातार ले रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर 105 फीट ऊंचे तिरंगे का ध्वजारोहण भी विधिवत तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करने वाले हैं और ये तस्वीरें वहां की, क्योंकि तैयारियां वहां पर शुरू हो गई है। हालांकि मौसम भी कुछ परिवर्तित नजर आ रहा है, लेकिन पाली कलेक्ट्रेट मुख्यालय के निकट ये विधिवत ध्वजारोहण सीएम अशोक गहलोत करने वाले हैं। इसके बाद वरिष्ठ समाज सेवी स्वर्गीय जौहरीलाल जैन के घर पर भी जाने का कार्यक्रम है। सामाजिक सरोकारों को निभाने की जब बात आती है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के वो चेहरे, इतने कुशल राजनीतिज्ञ है जो कि हमेशा अग्रणी पंक्ति में खड़े हुए नजर आते हैं। वरिष्ठ समाज सेवी स्वर्गीय जौहरीलाल जैन के घर जाने का कार्यक्रम और उसके बाद मुखिया देंगे जोधपुर को मेगा सौगात। जोधपुर के दौरे पर जब भी होते हैं उम्मीद लोगों की और ज्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए सहयोगी सुभाष का रुख करते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुभाष, पाली के दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल जनसुनवाई और राहत कैंपों का भी उन्होंने जायजा लिया। आज भी जनसुनवाई है और साथ ही आज खास दिन 105 फीट ऊंचे तिरंगे की तस्वीरें आपको दिख भी रही है, दर्शकों को भी दिखाई दे रही है, उसका भी विधिवत ध्वजारोहण करेंगे, क्या और जानकारी? दीपिका, आपको बताना चाहूँगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिवसीय यात्रा पर पाली हैं, रात्रि विश्राम सर्किट हाउस में किया है। कुछ ही समय बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बांगड़ स्कूल का किराया है यहाँ पहुँचेंगे। नगर विकास न्यास की ओर से 15 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर सर्कल का निर्माण करवाया गया है। 103 फीट ऊँचा राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया है, उसका लोकार्पण करने का कार्यक्रम है। उसके बाद वे उनके एक राजनीतिक गुरु हैं स्वर्गीय जौहरीलाल जैन, उनके निवास स्थान पर जाएंगे जहाँ मुख्यमंत्री उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। हाल ही में उनकी पोती का आईएएस परीक्षा में 363वीं रैंक के साथ चयन हुआ है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जौहरीलाल जैन से हमेशा पारिवारिक नाता रहा है। जब जब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पाली यात्रा पर आए हैं उनके निवास स्थान पर जरूर गए हैं। वहीं उसके बाद उनका जनसुनवाई करने का कार्यक्रम है और जनसुनवाई के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हेलीकॉप्टर के जरिए जोधपुर के लिए प्रस्थान करेंगे, उसको लेकर पूरा प्रशासन यहाँ पर सतर्क है। मैं सुरेंद्र को कहना चाहूँगा कि यहाँ से जो दृश्य हैं, जिस तरह से लोकार्पण की तैयारियाँ की गई हैं और जिस तरह से यहाँ पर प्रशासनिक अमला तैयार है, जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, वो सारी तैयारियों में है। कुछ ही समय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पहुँचेंगे जहाँ पर 103 फीट ऊँचे राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण करेंगे, सर्कल का लोकार्पण करेंगे। नगर विकास न्यास पाली की ओर से इसका निर्माण करवाया गया है, जिसके खुद अध्यक्ष जिला कलेक्टर नमित मेहता हैं। पाली के सौंदर्यीकरण को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियाँ की जा रही हैं, उसी के तहत मुख्यमंत्री का यहाँ आने का कार्यक्रम है। बिल्कुल सुभाष, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन सुभाष जिस तरह की तस्वीरें हैं और जितना हुजूम लोगों का है, यूं लग रहा है कि अब से ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। कितनी देर का समय बताया जा रहा है सुभाष सीएम के पहुंचने का वहां पर? ध्वजारोहण करेंगे और साथ ही
जयती बताना चाहूँगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ ही समय में यहाँ आने वाले हैं, जिसकी तमाम तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। सारा प्रशासनिक लवाजमा मौजूद है। जिला कलेक्टर नमित मेहता भी पहुँच चुके हैं, पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंगला भी यहाँ पहुँच चुके हैं। रास्तों को अन्य मार्गों से गुजारा जा रहा है। लोकार्पण करने के बाद जनसुनवाई का कार्यक्रम है और जनसुनवाई के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। बिल्कुल सुभाष, और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं जिस तरह की तस्वीरें 26 जनवरी या 15 अगस्त पर नजर आती है, जिस तरह का माहौल होता है वैसा ही कुछ माहौल बयां करती हुई नजर आ रही है। सुभाष, अगर इस तैयारियों को लेकर के और थोड़ा विवेचन करें और वहाँ आसपास जो लोग उपस्थित हैं उनसे अगर बातचीत करने की कोशिश इस समय मुनासिब हो, उनसे उनका प्रतिक्रिया फीडबैक लेना, क्योंकि पाली जब पहुँच रहे हैं, कल भी कुछ राहत कैंपों का मुख्यमंत्री ने जायजा लिया, संतुष्ट नजर आए, और कुछ इस पर बात कर पाएंगे? नगर विकास न्यास के सचिव हमारे साथ हैं, जिनकी देख रेख माध्यम से सारा पाली की जनता को यह संदेश देने का बात करना चाहूंगा। वीरेंद्र सिंह जी चौधरी हैं, जिनके नेतृत्व में और जिनकी देख रेख में इसका निर्माण किया गया है। शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर काम किए गए, किस तरह से इसका निर्माण किया गया है? ये इसका 2 महीने के अंदर हमने श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में इसका निर्माण किया है। इस ये 100 फीट ऊंचा झंडा है, इसमें लगभग 13 लाख की लागत आई है, 8 लाख झंडे की एवं 5 लाख रुपए इसके सर्किल के निर्माण के अंदर। और ये पहले से इस प्रकार का झंडा पाली के अंदर कोई नहीं लगा हुआ है, ये बिल्कुल मुख्य चौराहे पर लगा, कलेक्ट्रेट के सामने लगा है, और रिकॉर्ड समय के अंदर हमने ये सारा काम पूरा किया है, जो एक पाली के लिए बहुत गौरव का विषय है। अगर शहर के सौंदर्यीकरण की बात करें तो नगर विकास न्यास और क्या काम करवा रही है जो आने वाले दिनों में पाली शहर के लोगों को देखने को मिलेंगे? देखिए, यूआईटी द्वारा शहर के सौंदर्यीकरण के लिए कई काम करवाए जा रहे हैं। लाखोटिया जो तालाब है, उसकी लोडिया तालाब की पाल हमने लगभग 80 लाख रुपए की लागत से उसका निर्माण करवाया जा रहा है। 1 करोड़ रुपए की सड़कों का पुनर्निर्माण करवाया जा रहा है। कलेक्ट्रेट के अंदर हमने मीटिंग हॉल्स वगैरह, गांधी जी की मूर्ति स्थापित की है, और शहर में जहाँ सभी के मन में एक उत्साह, जब सीएम पहुंच जाएंगे तब भी आपसे अपडेट लगातार लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।